नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजय वर्मा आपके सामने कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट से संबंधित कुछ जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सबका नमस्कार। यह प्रायः देखा गया है कि कोरोना वायरस के बीमारी के लक्षण होने पे बिना टेस्ट कराए कई लोग जो है सोशल मीडिया के जानकारी के लेकर के सेल्फ ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि स्टेरॉयड जो कि फर्स्ट वीक में कोरोना वायरस ट्रीटमेंट में नहीं दी जाती है वो भी वो चालू कर देते हैं, और इससे उनका जो ट्रीटमेंट आउटकम है या उनका जो ट्रीटमेंट की सफलता है वो काफ़ी कुछ प्रभावित हो जाती है। तो आप सबसे यह निवेदन है कि कृपया सोशल मीडिया के माध्यम से एंटीवायरल्स या दूसरे प्रकार के स्टेरॉयड ड्रग्स जो कि इस ट्रीटमेंट में एक पर्टिकुलर समय पर ही दिए जाते हैं उसका उपयोग एक आधिकारिक फिजिशियन या आधिकारिक ट्रीटमेंट के द्वारा ही करने की कोशिश करें, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। टेस्ट के बारे में भी यह देखा गया है कि लक्षण उत्पन्न होते ही सब के सब जो है ब्लड टेस्ट या सीटी स्कैन कराने के लिए उमड़ पड़ते हैं, जो कि उनके ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। यह सब जो टेस्ट हैं यह एक पर्टिकुलर या एक निश्चित समय पर ही करने पर उसका हमको फ़ायदा मिलता है। अर्ली स्टेज में केवल मरीज को अपना पल्स, टेम्परेचर और सेचुरेशन ही नापना काफ़ी होता है, और उसी से मैक्सिमम मरीज 80 से 90% मरीज उसी से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीजों में ही अन्य टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट या सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है, जो कि उनके फिजिशियन या उनके ट्रीटिंग डॉक्टर समय अनुसार उनको करने की सलाह दे सकते हैं। तो कृपया सेल्फ ट्रीटमेंट न करते हुए पूरे ट्रीटमेंट के लिए अपने फिजिशियन या ट्रीटमेंट प्रोवाइडर से ही संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक करवाएं। धन्यवाद।